رفاق قدلي خسر. لا 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 مشورا ہے کہ میری جان گوارا کیجے مشورا ہے یہ میری جان گوارا کیجے چاند سے چہرے قصد کا بھیگو تارا کیجے چاند سے چہرے قصد کا بھیگو تارا کیجے یہ گوارا کیجے ہم تو یہ جان ہتھیلی پہ लिगे फिरते हैं बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजे बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजे चांद से चेहरे कसद का भीगो तारा कीजे ये गवारा कीजे असी ते गायकी सुनने सना अज नाल गायकी वेखी भी है क्या बात क्या बात और मेरे तीसरे मेहमान मेरे शो की आन और शान जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम विकी क्या बात है जी मजा आ गया आज मैं पीछे सुन रहा था खासा माशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और जो काम आपको मालिक ने अता किया है ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है लोग गाते हैं लेकिन कोई ऐसे गाता है ये कभी नहीं देखा बाकी खासा बहुत अच्छे मान ऐसा मजा आया गाने और जी बॉडी लैंग्वेज तुझे इंज लगे कि सिंगर दे देवानंद ये देखिए जी मैं एक चीज़ ऐड कर दूं क्विकली ये आपने दुआ ली हो तो इतने अच्छे और बड़े लोग बात करते हैं और मैं समझता हूँ मेरी खुश नसीबी खुशबख्ती कि नसीम विक्की साहब मैडम जी फिज़ा जी ये तमाम बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं ये कह रहे हैं तो कोई दुआ है वरना मेरा कोई कमाल गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली एक खूबसूरत सी मासूम सी हसीन सी लड़की फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे पहुँच गई बस एक पैशन था एक मेरा ड्रीम था बहुत ज़्यादा स्कूल के दौर से ही तो एक्टिंग का बहुत शौक़ था मैडम नीलो और शबनम ये मेरी फेवरेट आर्टिस्टें थी इनको मैं कॉपी करती थी इनकी नकलें उतारती थी तो इसला आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के प्लेस में हिस्सा लिया उसमें बहुत ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस को मेरी बॉडी लैंग्वेज मेरी जो अपेयरेंस थी उसको बहुत लाइक किया गया टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट जी तो फिर इस तरह शौक हुआ और लाहौर आ गए लकीली मुझे चांस मिल गया लाहौर किस एज में आप यहाँ पे आई थी मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था और मेरा भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ था अच्छा इधर से रिजल्ट उधर चला गया था फिर और उधर भी फर्स्ट डिवीजन आई उधर भी फर्स्ट डिवीजन आई और इधर भी अच्छा एक्टिंग का आपको बचपन से ही शौक था मतलब तो आप कह रही हैं कि आप शबनम जी की कॉपी किया करती थी थोड़ी सी हमारे सामने भी झलक दिखा देता मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मेरी सीनियर है लेकिन उनका स्टाइल था उस दिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं अपनी जान देख दूंगी आपने इतना अच्छा डायलॉग बोला है शबनम जी का तो यहाँ पर हम इसका डब स्मैश बना लेते हैं विक्की जी परफॉर्म करेंगे और आपकी यहाँ पर वॉइस होगी तो डबिंग जो है
साथ साथ हो रही हो। शबनम मैडम की डबिंग तो कर दी है, अब आप कहें कि शफकत चीमा की डबिंग करो, वो तो मैं नहीं कर सकूंगी। नहीं, शबनम जी का ही डायलॉग, यही डायलॉग जो आपने बोला है, क्या आला बोला है, इसलिए इसका डायलॉग का ना जब स्मैश बनता है। चले जी, विकी जी स्टैंड बाय रेडी। देखो विकी, मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ, तुमने मुझे छोड़ के नहीं जाना। अगर तुम चले गए और वापस ना आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। तो बचपन के बारे में आप कुछ बता रही थी। बचपन तो बस ये है कि पढ़ने लिखने में और माँ बाप की खिदमत करने में गुजर गया। तो नाइन्थ क्लास में ड्रामे का शौक़ हुआ, तो वो मुझे मैडम शमीमारा की एक फिल्म थी लाखों में एक, उन्होंने मुझे, टीचर ने कहा कि देखो वो जो जैसे बोलती है महमूद जोर से, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकलती। तो मैंने कोशिश की, मैंने वो उसी तरह बोलने की कोशिश की मैडम शमीमारा की तरह, तो मेरी आवाज़ नहीं निकली और मेरे से डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे ड्रामे से निकाल दिया और कहा कि तुम कभी अच्छी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। तो उसके बाद मैं बहुत रोई और मैंने कहा इन्होंने मुझे, मेरी टीचर ने कह दिया, ये बद्दुआ दिया या मशवरा दिया। तो मैंने कहा कि मैं नहीं एक्टिंग सीखूंगी और करूंगी, फिर मैं स्कूल से आके होमवर्क वगैरह करके ना, तो फिर मैं अपनी जो मेरी उस वक्त की स्टार्स थी मैडम दीबा, जेबा, शमीमा रारबा जी, ये तमाम लोग, शबनम नीलो, इनकी कॉपी रानी बेगम वो बहुत खूबसूरत थी, उनकी, इन सब की कॉपी मैं डिफरेंट तरीके से करती थी। एक अंदाज था कि मैडम नीलो का टच आता था फेस कट में भी और उनके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी अदाएं, उनकी बातें। शीशा भी इतना सा होता था, ज़्यादा बड़ा नहीं होता था हमारे घर में, तो इतना मेरा फेस आता था, बस इतने की प्रैक्टिस मैंने की। शीशा कार च एडा ही होता, तुसी कड़ा गर्म हमाम च रहंदे हो, बड़ा शीशा। तो बस इस तरह मुझे मेरे शौक को तकमील मिली और मेरे ड्रीम कम ट्रू हो गए और मैं एक आर्टिस्ट बन गई। इसके बाद आज तक मैं अपने आप को तिफले मकतब समझती हूँ कि आज भी मेरा फर्स्ट डे है इस सेट पे, तो मैं उसी तरह एफर्ट करती हूँ। ये नहीं होता, वरना दो फिल्में करती हैं, कहती हैं सानू पता की करना है। नॉट एट ऑल। कितने खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जिनका शौक उनका प्रोफेशन बन जाए। क्या बात है, वाकई। चाचे का शौक सी मंगना रिश्ते। मौदे। नहीं नहीं, मेरी बात सुने। मौदे रिश्ते होता है। हो ही क्या चाचे ने? नहीं, रिश्ते मांगना तो हर मर्द का काम होता है, हर मर्द जो है ट्राई जरूर करता है कि शायद हो जाए, नहीं तो चित्र पड़ेंगे तो खा लेंगे। सो बहुत खास, अब गाते तो बहुत लोग हैं, मगर गाना आप जैसे चंद लोगों को ही आता है। कब से रियाजत शुरू की, किस उम्र से, कुछ बचपन की यादें ताज़ा कीजिए ना। देखिए जी, गाना जो है इसका तो पहला मतलब है गा ना, तो खा खा ना, ना ये भी इसके, हाँ जी, ना नाच ना रो ना, इसके इसका मतलब ये कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कुछ नसीब था कि मेरे घर में ही नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, शराफत भाई, ये सब लोग थे, वो हमें कुछ मिल गया और हमें वो जो मिला वो एक टिपिकल क्लासिकल म्यूज़िक जिसको बोलते हैं, और हमारा ट्रेडिशन था, हमारी लेगेसी थी। वैसे दुनिया में दो बड़े घराने हैं विकी भाई, जी जी, आप सबकी नज़र है बेशक, उन घरानों का कोई जोड़ नहीं है, मौसीकी के घराने, एक अच्छा गाने वाला, एक बुरा गाने वाला, जो अच्छा गाता है वो अच्छे घराने से, वाह वाह, जो बुरा गाता है वो बुरा, बहुत अच्छा। क्या बात की, हमारी ये 14वीं पीढ़ी है 500 साल के अंदर, अरे वाह वाह, दैट्स 100% ट्रू। अगर आप इसको लेके चले, राग भैरवी हो गए, राग दिया हो गया, क्या वो वाकई आग लगा सकते जी? बिल्कुल। अच्छा, वो राग नहीं आग लगाते, फिर तानसेन जी को अकबर बादशाह ने कहा कि जी राग गाएं आप तो आग लग जाएगी। असल में वो बंदा ही इतना नेक पाक है, वो कुछ भी कहेगा हो जाएगा। आहा, बात ही है एक्चुअली, उसकी नेकी और पाकी है, और तब सुरों का असर होगा, वरना सुरों का कभी असर नहीं। आहा, सुर का असर उस वक्त होता है जब आपका करेक्टर जो है ना बड़ा हुआ। आप जिनी मेरी दरबारी का ऐसा रहेगा, कुछ पता नहीं लगना होया कि मतलब इतना अच्छा गाते जाजा। ये गाते पीते घराने से हैं। एक दफा ते चाचे ने अपनी रजाई नु अग ला दी सी और लोगों नु कहे मैं सुरना लाई सुरना लाई, बाद पता लगा हाथ च लैटर फट के बैठा सी। चाचा तो जो गाँव है ना,
किसी चीज नू अग की लगनी लोगों के तन मन नू अग लग जाती है कि किसने गाना बंद होना है। अगले तो पानी की बाल्टी कोल रख लेंगे जिस तरह झूठ तो अग लगती है। हाँ जी और स्मैल वाला गाँव नाले भी कहता यो यो चाचा सुंग।